हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं साइकिल राइड करने के लिए और आज है संडे, तो चलते हैं साइकिल राइड करके आते हैं और हाईवे पर रेस देख के आते हैं। देखते हैं कि रेस होती है नहीं होती आज। तो जा रहे हैं, ये रही हमारी साइकिल, तो इसको लेके चलते हैं हम राइड करने के लिए। देखो भाई कितनी तेज ठंड पड़ रही, कोहल ही कोहल हो रहा है आज, तो रास्ता ही साफ नहीं दिख रहा। तो भैया भी हाय गाइस कर रहे हैं क्या, कहाँ पे? अच्छा जॉगिंग पे जाना है भाई, यहाँ तो टाइम निकल लिया, सुबह सुबह जाते हैं दौड़ लगाने के लिए। तो देखो कैसे कॉल पड़ने लग रहा है और हाईवे की आवाज आपको सुन रही हो तो देखो। और अब हम जा रहे हैं हाईवे पर बाइक रेस देखने के लिए, तो चलते हैं। और देखो हर जगह वाइट ही वाइट हो रहा है, हाईवे पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो हम पहुंच गए हाईवे पर, तो देखते हैं बाइक रेस। तो आज तो मैं घने दिनों में बाइक रेस देखने के लिए आया हूँ, तो देखते हैं बाइक रेस होती है नहीं होती आज। और देखो हर जगह कोहल ही कोहल है यहाँ पे। तो आ चुकी है हमारी सुपर बाइक्स, और एक बाइक ये पीछे रह गई है। अब भाई अब लाइन सेगमेंट से आएंगी सारी बाइक, ये सारी BMW है। तो पहुंच गए हम टूल पर, और देखो भाई मेरे को मतलब ठंड पड़ रही है और अब भी मेरे को पसीना आ रही है क्योंकि मैंने भाई जैकेट पहन रखी है। और देखो हम पहुंच गए टूल, ये रहा पीछे यहाँ पर टूल है। और भाई यार तो मैं डेली से टूल पर पहुँच जाता हूँ, आज पहले दिन मैं घनी दिनों में आया हूँ संडे राइड पर। और भाई देखते बाइक राइड होती है नहीं होती, वो पहले राइडर्स तो चले गए थे, और देखते कोई और राइडर्स आता है नहीं आता। देखना भाई कितनी बड़ी मशीन है ये, पता नहीं क्या काम करती है। और जितनी मेरी हाइट है ना इतना तो इसका टायर ही टायर है, और बहुत बड़ी, आपको वीडियो में तो इसका साइज पता नहीं चल रहा होगा, नहीं बहुत बड़ी मशीन है। तो बाइक राइड तो हुई नहीं तो घर ही चलते हैं। देखो यहाँ पे साइकिल राइडर्स भी आ रहे हैं, ये रहा साइकिल राइडर्स। तो अब पहुंच गए घर, तो साइकिल को खड़ी करते हैं। तो हम पहुंच गए खेत पे, और खेत की देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा, और देखो दिन में चांद निकल रहा है, और यहाँ पे देखो मतलब सूरज डूब, तो भाई कितना अच्छा व्यू आ रहा, मतलब इधर सूरज डूब रहा है इधर चांद निकल रहा है, और सामने देखो भाई हमारे खेत है, और भाई खेत कितने अच्छे लग रहे हैं। और भाई ये देखो पीपल का पेड़ भाई बहुत डरावना सा लग रहा है, और ये रही हमारी स्कूटी। देखो आपको इस सामने कुआं दिख रहा हो भाई, ये मतलब हमारे दादा टाइम का कुआं है, और देखो मतलब हमारी ना मिट्टी खोदी थी, और देखो ये कुआं ऐसे ही रह गया है। और देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, और हरियाली हरियाली है हर जगह। तो खेत पे तो हम घूम आए थे, तो कुछ खा के आते हैं, मेरे को भूख लग रही थी, और देखो पीछे कितना अच्छा मौसम हो रहा, और कुछ खा के आते हैं। तो चलते हैं भैया अंशु के पास। तो हम पहुंच गए अली का, तो भैया से की शॉप पे पहुंच गए हैं, तो कुछ खाने के लिए लेते हैं। तो ये हमारे अंशु भैया हैं, और ये बना रहे बर्गर, तो इनसे सामान लेते हैं और चलते हैं फिर। तो अब ले लिए और चलते हैं। तो खाना ले लिया तो चलते हैं हम इसको लेकर। तो पहुंच गए घर, और स्कूटी कर दी पीछे खड़ी, तो हम जो सामान लेके आए थे उसको खाते हैं। हम लेके आए थे पेटी, तो इसको खाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक भी हमें साथ में। और भैया का सामान खा के तो भाई एक नंबर मजे आ जाते हैं। और आप भी भाई अलीका के आसपास से हो तो भाई जरूर आओ अंशु भैया पे, और भाई एक नंबर सामान बनाते हैं। और भाई मेरे को तो अंशु भैया की पेटीज बहुत अच्छी लगती हैं, और आप भी आसपास से हो तो अंशु भैया पे जरूर आओ, और भाई इनका टेस्ट करके जाओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना।